आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। 3 दिन की बारिश के बाद जहां पूरे उत्तर प्रदेश का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं जिला सिद्धार्थनगर में भी बारिश का कहर सड़कों पर देखा जा सकता है। नजारा है बस्ती नौगढ़ राजमार्ग का, जहां बारिश की वजह से सड़क किसी नहर की तरह नजर आ रही है। यहां बस हो या जीप, कार हो या मोटरसाइकिल, सभी को पानी में डूब कर जाना पड़ रहा है। भगवान भरोसे लोग सड़क पर निकल रहे हैं। अगर संभल कर ना चले तो सड़कों पर भरे इसी बरसाती पानी में तरणताल का आनंद भी मिल जाएगा। 3 दिनों से बारिश इतना ज़्यादा हो गया है कि रोड पे, महलों में और जगह पानी भरा हुआ है। पानी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, रोड पे घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कों का तो कहिए नहीं, सड़कों का तो नाम मात्र का है, बस कोरम पूरा किया गया है, किसी तरह जनता खुश हो जाए। और तो सड़कों से कोई मतलब नहीं, बारिश ने उनका जो है सच्चाई जो है सामने जनता के ला दी है। सड़कों का तो वही हाल है। 3 दिन से इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, सड़कों का हाल बेहाल हो रखा है, यहाँ की सड़क कम, गड्ढे ज़्यादा हैं, और मतलब कि और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और काफ़ी तकलीफें आ रही हैं बारिश में।